वैसे तो इसका फायदा बताने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को शुगर की बीमारी ठीक करने वाला इससे सरल आसान तरीका बताया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह प्रयोग किए भी होंगे। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए दोस्तों, इसे करी पत्ता के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे मीठा नीम भी कहा जाता है। करी पत्ता का प्रयोग भारतीय पकवानों में किया जाता है, शायद ऐसा कोई रसोई होगा जहाँ पे करी पत्ता का प्रयोग ना होता होगा। तो इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं, कई जगह मीठा नीम बोलते हैं या पर्वत नीम के नाम से जानते हैं या कट नीम जाना जाता है, कई जगह इसे करी पत्ता के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में करी के पत्ते के बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे बताए हैं जो कि आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप अपने 4 मिनट का बहुमूल्य समय दें, 4 मिनट के आज आप हमें जो बहुमूल्य समय देंगे इसमें मैं आप लोगों को लाखों रुपए की दवा फ्री में सिखाऊंगा, यानी कि जो करी पत्ता देख रहे हैं इसका प्राकृतिक उपचार करना सिखाऊंगा। आप अपने बहुत सारे पैसे को व्यर्थ होने से बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और जानकारी हमेशा, जो भी हम आप लोगों को आयुर्वेद की जानकारी बताते हैं हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। जानकारी जो होती है ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं। हमारे वीडियो को देख करके आप भी घर का वैद्य बन सकते हैं, लाखों रुपए को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है। वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखा करें। हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद होता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हमारे वीडियो को देख करके जो लोग रोगग्रस्त हैं, हम चाहते हैं वो अपने रोगों को दूर कर पाए। तो आइए इसके कुछ फायदे को विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मोतियाबिंद की बीमारी को ठीक करता है। मोतियाबिंद की बीमारी अगर किसी को हो गए हैं तो ये करी पत्ते को है ना इस प्रकार से देख लीजिए, इसका रस निकालें और इसका रस अपने आंखों में काजल की तरह लगाना है तो इससे मोतियाबिंद की बीमारी ठीक होती है या आंखों में झुंझला पाना आ गया है वो भी दूर हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग इसके कुछ इस प्रकार से है, अगर आपके मुंह से बदबू आती है, खासकर बहुत से लोगों के मुंह से बदबू आती है लेकिन बताना नहीं चाहते, उन लोगों को बताना चाहूंगा, या कई लोग टोंक भी देते हैं इस प्रकार की बदबू आने पर, तो करी पत्ते को कई जगह से मीठा नीम के नाम से जानते हैं, तो मीठा नीम को 2 से 4 पत्ती को इसके चबा करके खाने से मुंह से निकलने वाली दुर्गंध दूर हो जाती है। मुंह में छाले हो गए हैं तो इसके पत्ते का काढ़ा बना करके गरार करने से मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। बदहजमी है तो नींबू का रस और इसके पत्ते का रस मिला करके पीने से अगर आपके पेट में बदहजमी पच नहीं रहे तो जल्दी से पचने रखते हैं। उल्टी हो रहा अगर किसी को तो दोस्तों उल्टी होने पर इसके 5 से 10 पत्ते को पानी के साथ पीस लें और इसके जो थोड़ा सा पानी रहेंगे उसे पिला देना है तो उल्टी तुरंत रुक जाती है। पेट के कीड़े मारना है तो 10 से 15 मिलीलीटर ये नीम के पत्ते के रस को पिला देने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं, इसमें तेजी से लाभ देखने को मिला है। तो वीडियो को यही भी स्किप करके नहीं जाना है और भी इसका बहुत सारा फायदा बताऊं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि अधूरी ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होती है। हो सकता है हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को जो जानकारी आज बता रहे हैं हो सकता है आने वाले टाइम में आपको जरूरत पड़ जाए। इसके बाद ये बुखार को ठीक करता है। बुखार होने पर करी के पत्ते का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके पत्ते का काढ़ा बना लें और 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट में पिए तो बुखार उतर जाते हैं। कीड़े के काटने पर जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं काट लेते हैं, सूजन आ जाते हैं, तो इसके पत्ते को पीस करके लगा देने से जहाँ पे कीड़े ने काटे हैं तो कीड़े के जहर समाप्त हो जाते हैं। एक और चलिए इसका फायदा बता देता हूँ, पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो इसका काढ़ा बना करके पीने से, इसका 5 से 10 ग्राम के पत्ते का काढ़ा बना करके गिलास पानी लेने, इसका काढ़ा बना करके पीने से शुगर की बीमारी देखते ही देखते कुछ दिनों के भीतर में ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के छोटे से जानकारी, या प्राकृतिक उपचार या प्राकृतिक जानकारी आपको कैसा लगे हमें जरूर बताना। जो लोग अगर शुगर की बीमारी से परेशान है, मोतियाबिंद की बीमारी से परेशान है, वो लोग इसका उपचार करें, 100% लाभ मिलेंगे, आपकी समस्या समाप्त हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।